हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं मुन्ना कुमार, आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं कि नाइट पेट्रोलिंग, मानसून पेट्रोलिंग कैसे होता है और क्या क्या चीज़ करना पड़ता है, कितना किलोमीटर जाना रहता है और क्या क्या देखना रहता है ट्रैक को। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को बताते हैं कि टूल्स क्या क्या चीज़ लेकर हम लोग जाते हैं नाइट पेट्रोलिंग में। तो आइए और टूल्स के बारे में आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले ये देखिए बैग है, और ये बैग में हम लोग टूल्स को रखे हुए हैं। और सबसे पहले कि हम लोग के पास एक छाता होता है, इसके बाद रेनकोट लेना पड़ता है ज़रूरी। रेनकोट अभी तो हम नहीं लाए हैं, आप लोग को दिखा देंगे, क्या कि अभी बारिश का कुछ मौसम नहीं है। इसके बाद ये देखिए हम लोग का नंबर प्लेट है, ये मेरा 6 6 B परिकल, ये मेरा स्टेशन है। और ये भी लेकर चलना पड़ता है जो कि क्योंकि ट्रेन अगर आएगा तो हम लोग को दिखाना पड़ता है इस पेटर से, कि लोको पायलट को ये पता चले कि NPM नाइट पेट्रोलिंग मैन का पेट्रोलिंग हो रहा है। और इसके बाद ये देखिए हमको ये रक्षक है, जब गाड़ी आएगा तो ये इसमें से आवाज़ आता है, ये अपलाइन डाउन लाइन है, अपलाइन में गाड़ी आ रहा है या डाउनलाइन में गाड़ी। ये देख लीजिए अच्छा से, हम लोग के पास एक टॉर्च होता है, ये टॉर्च, और ये टॉर्च वाइट भी है और इसके बाद ग्रीन और इसके बाद रेल, अगर रेड है कोई डेंजर, अगर कोई प्रॉब्लम रेल में आएगा तो हम लोग डेंजर रेल रेड सिग्नल को दिखाएंगे। और इसके बाद हम लोग के पास ये देखिए चार्ज करने के लिए, ये टॉर्च को चार्ज करने के लिए चार्जर भी है। और इसमें देखिए एक, क्योंकि बरसात से बचने के लिए हम लोग थैला में इसको रखते हैं। ये देखिए मेन चीज़ डेटोनेटर, ये डेटोनेटर है और इसमें 10 डेटोनेटर होते हैं। डेटोनेटर मतलब कि वही बम टाइप का बम है, ये 10 होते हैं। ये अगर रेल में कहीं फ्रैक्चर हो जाए या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इसको हम लोग रेल में फिट करते हैं, ठीक है, जिससे कि लोको पायलट को ये पता चले कि कहीं आगे चल के 600 मीटर पर कोई प्रॉब्लम है, इसलिए गाड़ी को स्लो कर देता है और रोकने का कोशिश करते हैं। और चलिए आप लोग को दिखाते हैं टूल्स। ये देखिए हेडलाइट है, और हेडलाइट हम लोग को यहाँ माथा में लगाया जाता है, अभी तो हम नहीं लगाए हैं, उसको रखते हैं। और ये देखिए दिन के समय अगर जाते जाते हम लोग का दिन हो जाता है तो ये फ्लैग भी है, ग्रीन है और रेड है, इसको फ्लैग को भी हम लोग प्रयोग करते हैं। और अभी अभी हम यहाँ गेट पर आए हैं LC 147। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं, यहाँ पर गेट कीपर साहब मेरा वीडियो ले रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पानी उनी पीते हैं, 10 मिनट रहते हैं, यहाँ पर भी ये साइन करते हैं। और फर्स्ट में तो हम लोग स्टेशन से चलते हैं, वहाँ पर स्टेशन मास्टर आपको ये साइन करेंगे, वहाँ पर साइन मोहर करने के बाद हम लोग चलते हैं रास्ता में देखते हुए ट्रैक को। और एक गेट आया इधर 47 मेरा, तो इधर एक सोचे हम लोग की एक वीडियो ले लेते हैं और आप लोग को ये समझाना चाहेंगे कि नाइट पेट्रोलिंग कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ देखा जाता है, तो आप लोग को हम दिखाएंगे क्या क्या चीज़ देखा रहता है। और चलिए थोड़ा सा पानी पीते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अभी हम इसी वीडियो में दिखाएंगे क्या क्या चीज़ बेल्ट कैसे चेक किया जाता है, SCJ क्या है, आप लोग को बताएंगे बारे में, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो आइए नाइट पेट्रोलिंग के दौरान हम लोग किस चीज़ों की जांच करते हैं, तो ये बेल्ट है, ये बेल्ट है, इस बेल्ट को हम लोग जांच करते हैं कहीं ये बेल्ट टूट ना जाए और इसकी कोई पार्ट भी खुल ना जाए, ये जो क्लैंप लगा इसके नट बोल्ट को हम लोग अच्छी तरह से जांच करते हैं, ठीक है। और आगे में आइए, ये
आप लोग को दिखाते हैं ये ग्लूट्स, ये ग्लूट्स ज्वाइंट है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कहीं बोल्ट खुल ना जाए, बोल्ट टूट ना जाए। ये देखिए बोल्ट इसका, ये इसको भी हम लोग जाँच करते रहते हैं। और ये पॉइंट है, पॉइंट ये पॉइंट है, पॉइंट को भी हम लोग देखते हैं, जांच करते हैं कि कहीं इसका नट बोल्ट खुल ना जाए। और इसको अच्छी तरह से हम लोग देखते हैं। फिर आइए आगे आप लोग को दिखाते हैं किस किस चीज़ों की जानकारी लेनी चाहिए। तो आप लोग भी अगर रेलवे में आना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ होती रहती है उसको जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो में हमेशा बने रहिएगा। चलिए आइए दिखाते हैं आपको क्रॉसिंग। ये देखिए क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग ये बोलते हैं इसको। हम लोग यहाँ भी जो वन मीटर का फिश प्लेट लगा हुआ है, इसके नट बोल्ट को हम लोग अच्छी तरह से जांच करते हैं, देखते हैं कि कहीं नट बोल्ट तो टूट नहीं गया है या कुछ तो हुआ ही नहीं है। इसके बाद ये इसको क्रॉसिंग को ये नोज है, इस नोज को देखते हैं कि कहीं नोज टेढ़ा उड़ा नहीं ना हो गया है, इसकी भी जांच करते रहते हैं। और ये हम लोग को आप लोग को बताना चाहेंगे कि हम लोग का जो पेट्रोलिंग है वो 20 किलोमीटर चलना है, यानी कि 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, और फिर 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना, यानी कि 4 टाइम जाना है। और 4 टाइम में 20 किलोमीटर हम लोग को जाना और आना है। चलिए, कभी गाड़ी नहीं है इसीलिए आप लोग